Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे. Guys, आज का जो हमारा वीडियो फिर से एक फैन से रिलेटेड है, तो वो फैन कुछ इस तरीके का है जो कि हम इसे नॉर्मल फैन नहीं बोलते हैं, या फिर कहीं आप इसे सर्च भी करोगे तो एक स्ट्रॉलर फैन के नाम से अगर सर्च करते हो तो इस तरीके का आपको डंडी वाला फैन निकल के आएगा. आप देखो, बिल्कुल ये जैसे स्पाइडर होते हैं ना, उस तरीके से इसका जो स्टैंड है वो दे रखा है. इसका जो लुक है गाइस, मेरे को काफी ज्यादा यूनिक लगा. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है गाइस जो कि सेम ऐसा ही लुक देता है, बस उसका मॉडल आपको अलग मिल जाएगा. ये मत समझना कि वो वाला फैन ये यही वाला है, लेकिन ये दूसरा फैन है. आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इस तरीके का कुछ इसका लुक है. ये इसका हेड है, यहाँ से ये एडजस्टेबल आपको हेड दिया हुआ है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने एंगल में जो एंगल चाहो. पीछे में आपको दिया हुआ है एक बटन, पावर बटन, यहाँ से आप इसका पावर ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, और साथ ही साथ इसका जो स्पीड है वो भी कंट्रोल कर सकते हो. तो 3 स्पीड मोड इसमें दे रखा है, लो, मीडियम एंड हाई. तो यहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो. नीचे में आपको मिल जाता है USB इनपुट के लिए, इसे चार्ज करने के लिए. इसमें आपको बता दें, एक आपको केबल भी दे रखा है पहले से, साथ ही साथ इसमें हमें एक मिल जाता है मैनुअल. तो इसमें बाकी वैसा कुछ मैंने अपने सामने अनबॉक्स नहीं किया, क्योंकि बहुत ही कुछ छोटे छोटे चीजें थी जो कि इसमें मिली हुई हैं. तो यहाँ पे एक केबल भी दिया हुआ है. तो यहाँ पे चार्ज करने के लिए, यहाँ देखो, चार्ज करने के लिए ना दिया हुआ है. बाकी पीछे में आपको कुछ नहीं मिला है, बटन का फंक्शन मैंने बता ही दिया. सामने से लुक कुछ इस तरीके का है, नॉन स्क्रैचेबल बॉडी दी हुई. ये जो आप देख सकते हो, ये जो स्टैंड हम बोल सकते हैं, जैसे ये किसी भी एंगल में आप इसे रोटेट कर सकते हो. अगर आप इस फैन को गाइस यूज कर रहे हो और वैसा सरफेस है, इसे स्टैंड करने मतलब सरफेस प्लेन नहीं है, कुछ रॉड टाइप है, तो आप इसको ना ऐसे कहीं भी, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, या फिर आप पीछे में आप देखते हो मेरे चेयर है, तो इवन आप इस चेयर में भी आप इसे फिट कर सकते हो. किसी भी एंगल से आप इसे, ये देखिए इस तरीके से, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए. तो यहां से भी आप इसे फिट कर सकते हो. तो ये चेयर ही नहीं, अगर आपका कोई रॉड वगैरह है इस तरीके, अगर हाथ भी है तो मैं अभी इसमें भी आपको लगा के दिखाऊंगी. तो इजिली आप निकालना भी इसे काफी आसान है. अगर आप इसे, अगर आप कहीं जा रहे हो, हालांकि ये तो पोर्टेबल है ही, काफी छोटा है, आप इसे इजिली कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो तो कहीं कैरी कर सकते हो. और अगर मान लीजिए उससे भी आपको इजी प्रोसेस बता दे, तो ये जो हेड है वो आपको रिमूवेबल भी है. यहाँ से आप इसे अगर चाहो तो इसको, दोनों पार्ट को अलग भी कर सकते हो, और इजिली अगर आप इसे लगाना चाहो तो इसे इसमें फिट भी कर सकते हो. ये देखो, तो ये फैन मेरे को काफी अच्छा लगा, पोर्टेबल है. बाकी इसके जो फंक्शन दिए हुए हैं मेरे को काफी अच्छे लगे, और एक बहुत ही अच्छा इसका मॉडल मिल जाता है यार. सामने में आपको गियर टॉप ब्रांड का भी मिल जाता है, हालांकि ये गियर टॉप ब्रांड का आपको दिया हुआ है. मैंने इससे पहले भी 2-3 जो फैन डाले हैं वो इसी ब्रांड के आपको दिख जाएंगे. तो इस ब्रांड के फैन काफी ज्यादा यूनिक आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई इसका भी वीडियो हम बना ही देते हैं. बाकी गाइस, इसकी जो क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी दे रखी है. चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये 2-3 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, और बैकअप की बात करें तो ये आपको 5-6 घंटे तक अच्छे से बैकअप दे सकता है. तो काफी, और ऐसा नहीं है कि छोटा है तो इसका जो हवा है वो काफी कम होगा, ऐसा नहीं है. मैं आपको अभी दिखाती हूँ पीछे का जो हमारा बटन, हालांकि मैंने इसे चार्ज कर दिया है, अगर आपकी इसकी बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है तो इसमें जो USB दिया हुआ है डायरेक्ट इसे चला भी सकते हो. या फिर ये हम इसको अभी पावर बैंक से भी चला के दिखाएंगे कि आपको ये पावर बैंक से भी कितना अच्छा से ये वर्क करता है. तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो स्पीड है, ये देखिए पीछे में हमारी एक व्हाइट कलर की LED है जो कि ग्लो करेगी. ये हमारा फर्स्ट मोड पे है, आप देखो. सेकंड मोड पे हम जैसे ही करते हैं हवा का स्पीड आपको बढ़ जाएगा, और थर्ड मोड पे मैक्सिमम हो जाएगा. तो आप देख सकते हो इसका जो स्पीड है अच्छा, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत कम है, और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, मतलब एवरेज, बहुत एवरेज से आप ज़्यादा ही कह सकते हो कि अच्छा आपको दिख जाएगा, मतलब गर्मी के लिए बहुत ही. या फिर आपके घर में गाइस छोटे बेबी वगैरह हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उनको ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो अगर सो रहे हैं तो उनके पास ये, या फिर ये गिरता भी है तो कोई आपको रिस्क नहीं है. सामने में आपको पूरा सेफ्टी दिया हुआ है, और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो. तो चलो, इतने सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया. अब थोड़ा सा हम इसको पावर बैंक से भी, यहाँ पे आप देखो मेरे पास पावर बैंक है, इससे हम इसे आपको चला के दिखाएंगे. अभी ये मेरा फैन बंद है,
और ये जो हमारा केबल दिया हुआ है इसको हम ओपन करेंगे अभी। ओपन हो जा भाई। तो ये हमारा ओपन हो गया है। 2000 mAh की हमारी यहाँ पे इसमें बैटरी लगी हुई है। यहां से हम इसको करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, अलग से मैंने कोई भी कनेक्शन नहीं किया है, ये देखो गाइस। एंड ये जाएगा हमारा सीधा इस फैन का जो दिया हुआ है, इसमें सी पोर्ट दिया हुआ है, सी टाइप आप इसे, ये देखिए फैन चल रहा है। हम इसको हाईएस्ट स्पीड पे चला रहे हैं और यहाँ पे अलग से कोई कनेक्शन नहीं है। सामने में देख सकते हैं हमारा जो फैन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हवा भी दे रहा है, क्योंकि ये मेरा चार्ज है अभी। तो गाइस ये इवन आप कहीं जा रहे हो डिस्चार्ज होता है तो पावर बैंक आज के डेट में तो हर एक साथ में लोग कैरी करके चलते हैं, तो पावर बैंक से भी आप इसे इजीली रन करा सकते हो, ये देखो। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एक स्ट्रॉलर फैन से रिलेटेड था। अगर इस फैन से जिनको ये पसंद आया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके उसे परचेज कर सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। वहां अगर कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो बॉटम मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, अब मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो, वहां कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं इजिली रिप्लाई दे दूंगी। चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।